सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, अकाल मृत्यु को भी टाल देता है जल और तुलसी का ये महा उपाय। आज हम आपको ऐसा उपाय बताते हैं जिसको करने से अकाल मृत्यु भी नष्ट हो जाता है, अकाल मृत्यु को भी टालने का शक्ति इस उपाय में है। कहते हैं, अगर व्यक्ति तुलसी के वृक्ष के पास में बैठ करके ऑक्सीजन ले लें, ध्यान से सुनेगा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो जरूर करिएगा इस कार्य को। अगर व्यक्ति तुलसी के वृक्ष के सामने बैठ करके ऑक्सीजन लेता है तो उस ऑक्सीजन से उसके फेफड़े कभी खराब नहीं हो सकता। अगर तुलसी के पास बैठ करके वो शुद्ध हवा अगर व्यक्ति लेता है तो फेफड़ों का रोग नहीं हो सकता, टीबी जैसी बीमारी उस व्यक्ति को नहीं हो सकता और उसका हार्ट दिल कमज़ोर नहीं हो सकता। तुलसी में इतना ज़्यादा क्षमता है, तुलसी में इतना शक्ति है। अगर तुलसी के सामने बैठ करके ऑक्सीजन ले और तुलसी के पत्ते रोज़ ग्रहण करे, 5 से 7 पत्ते अगर व्यक्ति रोज़ ग्रहण करता है तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा सुंदर बना रहेगा। आप लोग भी केवल सुन करके ना छोड़ें, आप भी कोशिश करें, नियम बनाएं अपने घर में। तुलसी का पौधा तो रोज़ आप दर्शन करें, तुलसी का पौधा जरूर घर में हो और सामने बैठ करके तुलसी के पास में 10 मिनट तो रोज़ बैठा करो, ये महा रोग को भी ख़त्म कर सकता है। और जल में तुलसी के पत्र को डाल करके आप उस पानी को लेते हैं, जल में तुलसी के पत्र को डालने से तुलसी दल बन जाता है, अगर वो आप ग्रहण कर लेते हैं तो अकाल मृत्यु को भी ये हर सकता है, अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की नहीं हो सकता। और फिर कहा, घर के भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाएं, सालग्राम भगवान को स्नान कराते हैं घर में तो उस जल में तुलसी पत्र अवश्य डालें। तुलसी पत्र डाल करके भगवान को, सालग्राम भगवान को, भगवान नारायण को स्नान कराएं और उसके बाद में वो चरणामृत आप अगर लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तुलसी पत्र की बहुत बड़ी महिमा, भगवान के चरणामृत पीने का भी बहुत सुंदर महिमा बताया। वो व्यक्ति की केवल कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती जो चरणामृत लेता है। तो आज ही से नियम बनाएं, घर में सब कोई भगवान को स्नान करा करके चरणामृत आप भी लिया करें। और तुलसी माँ की सेवा कैसे करें, आपके घर की तुलसी कैसे हरा भरा हो, कभी तुलसी सूखे ना, उसके लिए रोज़ थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध तुलसी के जड़ पर अवश्य डालें। ऐसा करने से तुलसी कभी सूखेगा नहीं, तुलसी में कीड़ा नहीं लगेगा। और तुलसी ऐसे जगह पर के पर रखें जहाँ पर सूर्य का किरण भी थोड़ा सा पड़े। और तुलसी की सेवा, जितना सुंदर सेवा करोगे उतना सुंदर तुलसी का पौधा बढ़ेगा। और ऐसा पौधे का दर्शन करने से, तुलसी के सामने बैठने से ऑक्सीजन भी आपको प्राप्त होगा। और भगवान शंकर कहते हैं, महामृत्युंजय जाप करने से जो फल मिलता है, जो फल होती है, वो फल तुलसी में जल डालने से प्राप्त हो जाता है। तो रोज़ तुलसी में जल चढ़ाने की नियम बनाइए, तुलसी सेवा की नियम बनाइए, घर में भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें, स्वयं भी 5 से 7 पत्ते तक तुलसी का सेवन करें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी विशाल रोग आपको छू भी नहीं सकता। प्यार से बोल।